मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। अलीगढ़ के टप्पल कस्बे में हुई बच्ची की हत्या मामले में परिवार के लोगों का कहना है कि जब बच्ची का शव मिला था तब बच्ची का हाथ कटा हुआ था और शरीर पर तेजाब डाला गया था। उन्होंने बच्ची की तलाश की। बच्ची के बाबा का कहना है कि हमने पुलिस को सूचना दी थी, उसके बाद हमने मुनादी कराई, माइक लेकर पूरे बस्ती में तलाशा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हम 31 तारीख को थाने गए तब पुलिस ने हमारी रिपोर्ट दर्ज कर ली। बच्ची के अंग भंग कर उस पर तेजाब डाला गया है। दरअसल 30 मई को गायब हुई बच्ची के छत विछत शव 2 जून को कूड़े के ढेर में मिला। पुलिस ने मामले में 2 आरोपी को जेल भी भेज दिया है। इसे बलिया से अखिलेश सैनी टेक्नोलॉजी की खास रिपोर्ट। मृतक बच्ची का जो शव मिला था वो किन हालातों में मिला? उस बच्ची का एक तो हाथ कटा हुआ था और पैर में कुछ ऐसी अजीब सी वो थी, कुछ शरीर फैला हुआ था और उसकी आंख पर तेजाब डाला हुआ था और सारा शरीर तेजाब से हो रहा था काला। क्या आंखें भी निकाली गई? आंखें तो वैसे मालूम तो है नहीं, आंखें निकाली या नहीं निकाली है, पर उस टाइम पर आंखों में तेजाब था और सिर पे आधे बीच में बाल नहीं थे और पास में जले हुए थे बाल। ये जो गुड़िया का जो शव मिला था तो किन हालातों में मिला था? इसका ऐसा था, एक हाथ कटा हुआ था और ऐसा बहुत ज्यादा बदबू थी, ठीक है, ऐसा लग रहा था हमारे को कुछ तेजाब पड़ा हुआ है। क्या ऐसा भी था कि आंखें निकाली गई हूँ? आंखें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नजर ही नहीं पड़ रही थी कुछ, उसे देखा जा ही नहीं रहा था हमारे से। सुबह 8:30 बजे यहाँ खेल नहीं थी तो हमने समझा बालक के साथ की बहुत बिखर गई हो, हमने घर उधर को देखा, देखकर फिर हमको फिर हम पुलिस के घर गए थे। पुलिस की सूचना दी, सूचना देते हुए पुलिस बोली अपना नंबर दे जाइए, कितौती मिल जाएगी, तो आप ऐसा है बच्ची है इधर उधर घूम गई हूँ, कल के साथ लिख दी होगी। तो फिर हमने दोबारा आके हम देखा इधर उधर, मगर मुनादी करवाई उसने, महंगे तक में आवाज़ लगवाई और फिर अब खुद माइक लेके पूरी बस्ती में घूमे, हमको कहीं नहीं मिला। फिर हम 31 तारीख की सुबह गए, हम हो गए अपने ऐसे ऐसे हमारी रिपोर्ट कर, उनने अपनी रिपोर्ट दर्ज कर दी। अच्छा ये बताइए जो है जो बच्ची का जो शव मिला था वो किस हालत में? वो ऐसा है जी, मतलब उसका सब शरीर का अंग भंग कर दिया। अच्छा क्या लग रहा था जो है शरीर को? लग रहा था कुछ तेजाब हो या कोई केमिकल हो या कुछ ऐसा हो, ऐसा शरीर हो रहा था, मतलब उसकी आँख नाखू हमें सी ऐसी नहीं है या ना ही। अच्छा आँखों को देखने से क्या लग रहा था कि आँखें निकाली गई? हाँ अंदाज व केमिकल थे ऐसा लग रहा था, मतलब उसको देखा नहीं जाता, हम तो बेभीत रहे थे। NPS टप्पल अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, अ गर्ल हैज़ बीन फाउंड मिसिंग, देयर आफ्टर अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड ऑन 31st of May by the Tappal police, and after that along with the family of the girl, Aligarh police tried to search for that missing girl, and for that they have also saw the CCTV footages and made some announcement in the vicinity and the nearby areas. But unfortunately the dead body of the girl was found on 2nd of June. And after that, the immediately case has been the case section 302 was increased in the case, and after that a thorough investigation by the local police, surveillance and field unit, two accused named Jahid and Aslam were arrested on 4th of June and were sent to the judicial custody. Basically the motto of the murder of the girl was the altercation of the money between the main accused Jahid and the father of the girl, father of this child, and we have got the PM report, and the PM report the rape has not been confirmed yet, and right now the entire focus of Aligarh police is on this heinous crime which has taken place against this child, and
the accused has been sent to the jail and remaining investigation like reconstruction of the scene of crime by the FSL and other opinions, legal opinions we are taking so that we make it a foolproof case against the accused and we are going to impose NSA also, National Security Act against these accused so that they don't get bailed out in the coming future and it is also in our planning that we request for this case to be transferred to fast track court for summary trial and conviction of the accused which could result in the death penalty for the accused. Thank you.